हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। और ये विजन आइज़ की मैगजीन से मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो पहले हमने जुलाई मंथ की कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगस्त मंथ की कंप्लीट करेंगे। अगस्त मंथ की भी स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसमें हमारी कुछ लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो जितनी भी लेसन कंप्लीट हुई है सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट को स्टार्ट कर चुके थे, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आज आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी थी, रेस्ट ऑफ द टॉपिक को मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। देखती हूँ कि आज कितना टॉपिक कंप्लीट हो पाती है। ओके, तो सिक्योरिटी के से पर यहाँ पर रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी, तो उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आपको इस मैगजीन्स की PDF चाहिए या किसी भी मैगजीन्स की PDF चाहिए, आप मेरे को रिसोर्स पॉइंट के नाम से मेरी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरी अन अकेडमी और यूट्यूब की सारी लिंक वहीं पे मिल जाएगी। साथ ही जितनी भी रिक्वायर्ड PDF होती है मैं वहीं पे अपलोड कर देती हूँ, तो वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पे सारी PDF मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस मैं पूछी थी कि कौन से तीन अमेंडमेंट जो है किया गया है इस बार अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तीन मेन अमेंडमेंट आपको बतानी है। साथ ही सेकंड क्वेश्चन है कि कब यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है इन एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि इसको कब बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एक्ट की, यानी कि मैं यहाँ पे 2002 एक्ट की पूछ रही हूँ क्योंकि इसको अभी फिर से अमेंड करके लाया जा रहा है, तो पहले के बारे में भी आपकी उसकी ऑब्जेक्टिव आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थ्री मेन अमेंडमेंट क्या किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2019 में। तो फर्स्ट है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट को एम्पावर की गई है कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट यहाँ पे डेजिग्नेट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये एम्पावर कर दी गई है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल को अब हम लोग टेररिस्ट बता सकते हैं। साथ ही सेकेंड यहाँ पर एम्पावर किया गया है जो भी NIA के ऑफिसर्स हैं, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिसर है उनको भी यहाँ पर एम्पावर किया गया है। जो भी यहाँ पर रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है या फिर इनसे ऊपर जो है ना, वो आप कोई भी केसेस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। साथ ही थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किसी भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो जो भी अप्रूवल होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA से यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू जो है जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अगर कब्जा करना है तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA से यहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो ये तीन नया अमेंडमेंट किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट में, तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है आपका एग्जिस्टेंस में कब आया। तो जब यहाँ हमारे यहाँ 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक हुई थी, तो उसी के बाद हमारे यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाई गई थी। तीन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव पूछी हूँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि हमें प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि ब्लैक मनी को जो व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे कॉन्फिस्केट करना है, सीज करना है, यानी कि जब्त कर लेना है जो भी लॉन्ड्रड मनी के द्वारा यहाँ पे ऑब्टेन किया गया। साथ ही यहाँ पे डील करना है कोई और भी इशूज़ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से हमारे इंडिया में कनेक्टेड है। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव थी 2002 एक्ट की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रही आपकी तीनों क्वेश्चन की आंसर। मैं इस PPT को भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है आपके लिए तीन मेन क्वेश्चंस, जो कि लास्ट आपका जो लेसन था इन्वायरमेंट उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप है कि एज़ पर नीति आयोग रिपोर्ट, यानी कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वाटर के ऊपर, तो इसमें आपको बताना है कि कितने मिलियन इंडियन जो है आज की डेट में फेस कर रहे हैं वो भी हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, यानी कि वाटर की कमी को। साथ ही कितने हाउस होल्ड है जिनके पास अभी ड्रिंकिंग वाटर अवेबिलिटी भी नहीं है, यानी कि पीने योग्य पानी उनके पास नहीं होता है। तो ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, ये डेटा आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप डायरेक्टली कहीं भी ऐसे लिख रहे हो या फिर आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो आप उसको इसका इंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे क्या ऐसा मिनिस्ट्री को सेटअप की है जिसके थ्रू जो है ये मिनिस्ट्री पूरी तरीके से वाटर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ है उनको देखेगी। तो ऐसा कौन सी मिनिस्ट्री न्यू सेटअप की गई है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं भी स्ट्रेस देकर पढ़ाई थी, तो आपको अगर याद है तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही थर्ड यहाँ पर आपके इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कंपोजिट वाटर इंडेक्स जो है ये इंडेक्स किनके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करती है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही और भी डिटेल आप बता सकते हैं कि किस स्टेट की परफॉर्मेंस कैसी रही और किस स्टेट की परफॉर्मेंस जो है बेस्ट और पुअर रही वाटर कंपोजिट इंडेक्स में। ओके, तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग प्रीवियस लेसन देखे हो तो ज़रूर आप लोग आंसर दे सकते हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हो लेसन तो पहले लेसन देख लीजिएगा, उसके बाद ज़रूर आंसर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन।
हम लोग फ्लड स्टार्ट कर चुके थे। फ्लड में जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्बन फ्लडिंग से, यानी कि अर्बन एरिया में किस तरीके से फ्लडिंग की क्या कंडीशन हो जाती है और क्या ये न्यूज़ में है, इसके बारे में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लडिंग आती है, बाढ़ आती है तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही डिजास्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मेट्रो सिटीज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पर फ्लड आती है तो उनकी हालत बहुत से बदतर हो जाती है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा हेवी रेन हुआ है मुंबई सिटी में, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा अर्बन फ्लड देखने को मिला है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया है और इसी से रिलेटेड आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगी। कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं, अर्बन फ्लडिंग क्यों होता है। अर्बन फ्लडिंग तब होता है जब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बारिश होती है, साथ ही रेनफॉल भी बहुत लंबे समय तक होती है, और यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वाटर को जो कंज्यूम करती है, वाटर को बहाव को कंट्रोल करती है, उनकी कैपेसिटी से जब बाहर हो जाता है, लगातार बारिश हो रही है, घंटों घंटों काफ़ी दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, इंटेंस बारिश हो रही है, तो उसके कारण अर्बन फ्लडिंग होती है। और इस अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो ये काफ़ी डिफरेंट होता है हमारे रूरल फ्लडिंग से। ओके, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रेंड है वो अर्बन फ्लड का, यानी अर्बन फ्लड के कारण जो डिजास्टर्स होते हैं इंडिया में, वो ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है। रिसेंट ईयर में आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा मेजर सिटीज़ है जो कि इस तरीके से फ्लड के चपेट में आ चुकी है, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है एक रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमारे वेदर पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है और काफ़ी हाई इंटेंस रेनफॉल देखने को मिल रही है। ऐसे हाई इंटेंस रेनफॉल आपको बहुत ही कम देखने को मिलती थी, लेकिन हर साल आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं भी बारिश स्टार्ट हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो रही है। 2015 में आप ले सकते हो कि चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 2018 में आप जानते हो कि लास्ट ईयर केरल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अब 2019 में इस बार लग रहा है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इंटेंस बारिश होने की वजह से जो है हम लोग यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं। अब रीज़न क्या क्या है अर्बन फ्लडिंग के पीछे, ये समझते हैं। सबसे पहली है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हेवी और अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल देखने को मिल रहा है। जैसे कि श्रीनगर फ्लड आप देख सकते हो, जो श्रीनगर फ्लड भी बहुत ज़्यादा हुआ था, श्रीनगर में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। उसके बाद रन ऑफ जो होती है ना, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में जितने भी वाटर शेड्स है उससे भी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल कर जा रही है, तो वाटर शेड्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर जा रही है, बर्स्टिंग हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर लेक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो रहे हैं। यानी कि जो ग्लेशियर होती है उनके बगल में जो लेक्स वगैरह होती है, जब आप देखोगे कि हाई ग्लोबल टेम्परेचर हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रही है कि जितनी भी ग्लेशियर है ना वो पिघल रही है। पिघलने से क्या होता है कि उनके बगल में जितनी भी लेक्स है ना उसमें पानी की जो मात्रा है ना वो ओवर फ्लड हो रही है। ओवर फ्लो होने के कारण जो है फ्लड भी जो है यहाँ पे बर्स्ट हो रही है। इसी को कहते हैं हम लोग बर्स्टिंग ऑफ ग्लेशियर लेक। जैसे कि चारों बारी ग्लेशियर हमारी उत्तराखंड में जो है ना पूरी तरीके से जो है चारों बारी ग्लेशियर के पिघलने से उसके अगल बगल की जितनी लेक्स है उसमें भी फ्लड हो रही है। स्मॉल स्केल स्टॉर्म देखने को मिल रहा है, यानी कि छोटी छोटी इसे आपको स्टॉर्म देखने को मिल रही है जिसके कारण भी फ्लड हो जा रही है। ओके, मीन्स स्टॉर्म आती है तो उसके बाद जो है रेनफॉल होता है, रेनफॉल होती है तो उसके बाद आपकी फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। दूसरी है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, यानी कि ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया हुआ कुछ ऐसे फैक्टर्स है के कारण जो है फ्लड की सिचुएशन बढ़ रही है। पुअर अर्बन प्लानिंग है। सबसे पहला है कि अर्बन प्लानिंग आप देखोगे कि बहुत ही बेकार है। अगर हम लोग देखें कुछ स्टेट में कि जहाँ पे पता चल जाता है पहले से कि अब यहाँ पे इंटेंस बारिश होने वाली होती है, लेकिन प्री मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता है। फ्लड आने से पहले वहाँ पे कुछ भी मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, लोगों को सचेत नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है कुछ भी तरीके से, ना गवर्नमेंट के द्वारा ना लोगों के द्वारा किसी भी तरीके का प्लानिंग नहीं होता है। साथ ही फ्लड प्लेन्स का इंक्रोचमेंट अगर देखें, जैसे बहुत सारी मुंबई की एक्स अर्बन जो ग्रोथ है वो यहाँ पे टाउनशिप में हो रही है, यानी कि रिवर उल्हास के बगल में हो रही है। एक ऐसी रिवर है जो कि आपको टाउन से टाउनों के बीच में होते हुए पास होते हुए दिखेगी। इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में कचरा भर गया है, यानी कि अगल बगल जितने भी लोग रहते हैं वो सारे अपने डस्टबिन डस्ट को यहाँ पे इसको इस रिवर को डस्टबिन बना चुके हैं। और अब क्या होता है कि जब भी वहाँ पे बारिश होती है तो ये जो रिवर उल्हास है ना पूरी तरीके से भर जाती है, और भरने के बाद ये ओवर फ्लड हो रही है और इसका जितना पानी है वो अगल बगल वाले टाउन में जाकर भर जाता है, इसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही महाराष्ट्र जो है अपनी रिवर रेगुलेशन जोन पॉलिसी जो कि 2015 में थी उसको डिलीट कर चुकी है। जो यहाँ पर डिसीज़न लिया गया है, यानी कि जो उल्हास रिवर के अगल बगल रहते थे लोग उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि एक न्यू और एयरपोर्ट बनाया जाएगा, वो भी नावी मुंबई में, जो कि इस तरीके से लो लेइंग लैंड में होगी, यानी कि एकदम निचली सतह में होगी, वहाँ पर एक न्यू एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से रिवर रेगुलेशन जोन पॉलिसी से महाराष्ट्र को डिलीट कर दिया गया है। इनएफिशियंट मैनेजमेंट है, यानी कि रिलीजियस गैदरिंग अगर आप देखोगे नासिक में जैसे कुंभ मेला इस बार हुई थी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं, कोई भी तरीके का आपको मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सर्फिंग सीलिंग है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण जो है बहुत सारे सरफेस में आप देखते हो कि ऐसा है
कि आपको पहले बहुत ज़्यादा हरियाली थी, खेत वगैरह थे, खुले मैदान थे, लेकिन आज की डेट में आपको खुले मैदान देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग अपने घर के अगल बगल भी देखोगे, सब कोई पक्का कर देते हैं, यानी कि सारे ज़मीन को यहाँ पे पक्के कर देते हैं। जब यहाँ पे खुला मैदान नहीं होगा तो पानी रिस के अंदर जाएगा कैसे, है कि नहीं? अगर यहाँ पर सीलिंग कर देंगे, सर्फेस सीलिंग करने से क्या होता है कि पानी जो है वो सतह पर ही रहती है, सर्फेस पर ही रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो रिस के अंदर नहीं जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो 2015 की एक मार्च स्टडी यहाँ पे प्रिपेयर की गई थी, वो भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और वो यहाँ पे कह रहे थे कि जो फॉरेस्ट कवर है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में वो बहुत ही कम हो चुका है, यानी कि जो टोटल का आप देखोगे कि थर्ड, वन थर्ड जो है यहाँ पे कम हो चुकी है, अगर हम लोग 2015 के कंपेरिजन में देखें तो। अर्बन हीट आईलैंड इफेक्ट भी है, क्योंकि आप देखोगे कि रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और अर्बन एरिया में आज की डेट में रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इनएडिक्वेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जितनी भी सॉलिड वेस्टेज है यानी कि सॉलिड कचड़े हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है, बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पे प्लानिंग वगैरह है। साथ ही यहाँ पे कुछ भी आप देखोगे जैसे फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही स्लो इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि इतने साल लग जाते हैं इसको, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। कि अगर नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 56 ईयर तक ये प्रोजेक्ट जो है अभी तक कंप्लीट करने में लगा दिया गया, यानी कि आप देख सकते हो कि कितना लंबा समय लग जाता है किसी भी मतलब कि किसी भी रिवर को मैनेज करने में या फिर कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसके कारण जो है हम लोग फ्लड वगैरह की जो कॉजेज़ है वो देख पा रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को एक इंटीग्रेट अप्रोच लेना होगा कि हम लोग एक अच्छा सा अर्बन प्लानिंग कर सके, जिसके थ्रू जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको यहाँ पे एम्पावर करें डिसीजन मेकिंग में और प्लानिंग में, जो कि फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे कि हमारे यहाँ जो मुंबई मेट्रो सिटीज़ जो यहाँ पे आपका रूल्स वगैरह है वो यहाँ पे फाइनेंस को टैप करती है। महाराष्ट्र जो है एक टास्क फोर्स यहाँ पे बनाई है जिसके थ्रू जो है आप देखोगे कि इसमें लोकल और जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पे रहते हैं, और क्या क्या क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से उस सिटीज़ के लिए स्टडी करते हैं। साथ ही एक एंटी इंक्रोचमेंट लॉज भी होना चाहिए, सस्टेनेबल स्लब मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, एक अच्छा सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही सीवरेज लाइन्स होनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ इसराइल वगैरह में है, सिंगापुर मॉडल में है, तो उन लोग को, उन लोग की मॉडल को हम लोग को यहाँ पर कॉपी करना चाहिए, यानी कि उन लोग से सीखना चाहिए। कॉपी क्या, सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ें हमेशा हम लोग को हर दूसरे से सीखना चाहिए। तो किस तरीके से जो है वाटर को मैनेज करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से अपने कंट्री में लेकर जाते हैं, तो इसराइल हो गया, सिंगापुर मॉडल हो गया, तो इनसे हम लोग को सीखना चाहिए। फ्लड वाटर जो ड्रेनेज नेटवर्क है इसको देखना है, साथ ही साथ हम लोग को जो ये JNURM विज़न है इसको भी देख कर चलना है। तो ये JNURM विज़न है क्या, ये है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ओके, तो ये भी एक तरीके का एक अच्छा मिशन है जिसके थ्रू जो है फ्लड वाटर ड्रिंकिंग नेटवर्क को हम लोग बेटर कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग भी हम लोग को अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो अर्बन प्लानिंग में क्या क्या है, सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे यहाँ एक अच्छा अर्बन प्लानिंग होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है हम लोग एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम को बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल है उसको रिव्यू करेंगे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको फॉलोड किया जाना चाहिए, इंटर स्टेट कॉपरेशन होना चाहिए, एक अच्छा डायलॉग होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि एक इंक्रोचमेंट को प्रिवेंट करना है रिवर बेसिन से, नेचुरल लेक्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो भी वाटर की जो नेचुरल फ्लो है उसको कहीं भी हम लोग रोके नहीं और उसकी नेचुरल फ्लोज को मेंटेन करके रखें। वहीं आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो कि आसाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, 7 साल से आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग जो है एक दूसरे से कॉपरेट करके नहीं चलते, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा वाटर जो है आपको आसाम में आते हुए दिखेगी, जैसे ब्रह्मपुत्र वाटर है जो कि आसाम से होते हुए मीन्स अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में भी आती है, तो जो फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये दोनों जो स्टेट है एक दूसरे को कभी भी कॉपरेट नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको बहुत बड़ी उस वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इंटर स्टेट कॉपरेशन दिखाना चाहिए जिसके थ्रू एक बेटर प्लानिंग हम लोग कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी गाइडलाइंस देख लेते हैं कि अर्बन फ्लडिंग के ऊपर वो क्या गाइडलाइंस देते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि नेशनल हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क बनानी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो अर्बन सीड सेंटर्स हैं उनको अर्ली वार्निंग दे पाएंगे अगर इस तरीके का कोई भी तरीके का यानी कि फ्लड होने वाली है, अर्थक्वैक आने वाली है। तो एक सबसे पहले जो क्या होती है ना कि अर्ली वार्निंग देनी चाहिए, पहले से लोगों को बताकर उनको सचेत करना चाहिए, अगर वो जो है एरिया बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर प्रॉन एरिया है तो उससे लोगों को बचाया जा सकता है। साथ ही डॉपलर वेदर रडार का हम लोग को यूज़ करना चाहिए जिसके थ्रू जो है हम लोग सारे अर्बन एरियाज़ को अपनी कंट्री में एक्सपेंड कर पाएंगे। एक इन्वेंट्री
होना चाहिए जिसके थ्रू स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को जो आज के डेट में एग्जिस्ट है उसको एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। कैचमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग प्लान करें, डिज़ाइन करें कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ में कैसा होगा। हर एक बिल्डिंग को जो भी अर्बन एरिया में है उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम होनी चाहिए। लो लिंग एरियाज़ जो सिटीज़ में है उनको रिजर्व करना चाहिए पार्क्स वगैरह के लिए। इंक्रोचमेंट जो है वो ड्रेन्स में होना चाहिए जिसके थ्रू पेनल एक्शंस को जो है अट्रैक्ट होना चाहिए। प्री मॉनसून डिसिल्टिंग होनी चाहिए बहुत सारे मेजर ड्रेन्स में। अर्बन फ्लडिंग जो है यहाँ पे एक सेपरेट डिजास्टर की जैसा इसको डील किया जाता है अर्बन फ्लडिंग को, तो ज़रूरी है कि हम लोग इसको रिवराइन फ्लडिंग से जो है डीलिंग कर सकें। साथ ही एक सूटेबल इंटरवेंशन होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम में, जैसे ट्रैप्स हो, ट्रैश रैक्स हो, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है सॉलिड वेस्ट की जो अमाउंट है ना उसको कम किया जा पाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक रेन गार्डन का भी कंसेप्ट होना चाहिए जिसमें कि पब्लिक पार्क्स में किस तरीके से रेन वाटर को अच्छे से जो है रिस्क कर वो अपना नीचे वाले जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें पानी जा सके, एक अच्छा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हो पाएगा। साथ ही फ्लड हैजार्ड असेसमेंट हो ये भी होना चाहिए, वो भी किस बेसिस में, तो प्रोजेक्टेड फ्यूचर सिनेरियो के बेसिस में कि कितना फ्लड से आने वाली कितना प्रॉब्लम होता है, कितना ज़्यादा हैजार्ड होता है, कितना ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल की क्षति होती है, उसको बेटर तरीके से एसेस करना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग फ्यूचर में आने वाले कोई भी अगर इस तरीके का डिजास्टर है तो उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस, यानी कि इकोसिस्टम सर्विस के लिए पेमेंट करनी है। ये है क्यों, न्यूज़ में क्यों थी और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जो हमारी कंट्री की फर्स्ट एवर है यानी कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस एग्रीमेंट है इंडिया में, वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ये है क्या इसके बारे में समझते हैं। ये पहली बार आपको PES एग्रीमेंट देखने को मिलेगा यानी कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस देखने को मिलेगी, जो कि हमारे विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज़ और जो पालमपुर म्यूनिसिपल काउंसिल है हिमाचल प्रदेश के, इनके बीच में साइन किया गया है। साथ ही ये फॉर्मलाइज्ड किया गया था 2010 के अक्टूबर में। ये एक तरीके का रूरल अर्बन एंगेजमेंट मॉडल है जिसके थ्रू सस्टेनेबल तरीके से वाटर को सप्लाई किया जाएगा और जो कैचमेंट एरिया है जहाँ पे वाटर जाके फिल हो जाते हैं उसको और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट की जाएगी। यानी कि ये आपको जो देखने को मिल रहा है कि इकोसिस्टम सर्विस के लिए एक पेमेंट सिस्टम यहाँ पे आपका चलाया जा रहा है, यानी कि ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जिसमें कि दो विलेज एरिया को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, यानी कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे साइन किए। एक लार्ज पार्ट अगर हम लोग की कंट्री की पॉपुलेशन में देखें तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए ना क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, इस पर डिपेंड होते हैं। आप लोग को पता है कि हमारे कंट्री में मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, अपनी लाइवलीहुड वो एग्रीकल्चर से ही चलाते हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी तरीके का वाटर की अवेबिलिटी अगर इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो इससे क्या होता है कि हमारी फूड इनसिक्योर हो जाती है, हमारे जो फार्मर्स की इनकम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा हमारे क्रॉप्स की भी क्षति हो पाती है। तो अगर पालमपुर की इस तरीके से जो पेमेंट इकोसिस्टम सर्विस मॉडल के लिए देखें तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो इम्पैक्ट है वाटर रिसोर्सेज में उसको हम लोग कॉम्बैट कर पाएंगे। साथ ही हम लोग जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अडाप्ट कर पाएंगे दूसरे पार्ट में हमारे कंट्री में, तो ये सारी चीज़ें एक बेटर तरीके से हो पाएगी। अब हम लोग इस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। इसमें एक तरीके का पेमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है कि पेमेंट करना है जो भी लैंड के मैनेजर्स हैं और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके एक्सचेंज में, कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड एक अच्छा इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए। ओके, तो इकोसिस्टम सर्विस है क्या। इकोसिस्टम सर्विस जो है एक तरीके का बेनिफिट है जो कि हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट से लेते हैं, जैसे कि फूड है, वाटर है, टिम्बर है, फाइबर है, ये सारी हमारे लिए इकोसिस्टम सर्विस है जो कि हम लोग एक तरीके का बेनिफिट लेते हैं नेचर से। तो यहाँ पे जो है कुछ फंक्शंस भी अच्छे तरीके से होने चाहिए, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट साइकिल अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम लोग को यहाँ पे फूड, वाटर, टिम्बर जो है एक अच्छे तरीके से मिलेगा। स्टेक होल्डर्स जो भी यहाँ पे PES इंगेजमेंट में इंक्लूड है वो यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस में है। अब PES जो है वो यहाँ पे एक तरीके का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि जो प्रीवियसली अनप्राइस्ड इकोसिस्टम सर्विस है उसमें भी प्राइस लगाया जाएगा कि हम लोग क्लाइमेट को किस तरीके से रेगुलेट कर सके, वाटर की क्वालिटी किस तरीके से हम लोग रेगुलेट कर पाएंगे, साथ ही जो वाइल्ड लाइफ है उनके रहने के लिए जो प्रोविजंस रखा गया है वो किस तरीके से हम लोग रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को अब यहाँ पे प्राइस कर दिया गया है, यानी कि इसको अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह देनी पड़ेगी। PES जो है एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कह सकते हैं आप बायर्स पर्सपेक्टिव से, अगर कोई भी पेमेंट जो है यहाँ पर लेस है जो भी एसोसिएटेड आपका अल्टरनेटिव मीन्स है तो ये बहुत ही अच्छा है बायर्स पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वन सेकेंड, ये आपका वाटरशेड सर्विस है,
यानी कि यहाँ पे आपका वाटर प्योरिफिकेशन हो रहा है, फ्लड रिस्क मिटिगेशन है, एक्वीफर रिचार्ज हो रही है, इरोजन जो है मिनिमाइजेशन है। इन सारे एरिया में जहाँ पे आपको एफॉरेस्टेशन देखेंगे वहाँ पे आपको ये सारी जो है बेनिफिट देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे जो है आपका डाउन स्ट्रीम वाटर यूजर्स है जो कि बेनिफिट ले रहे हैं इस तरीके की वाटर शेड सर्विस से। वाटर शेड सर्विस से यानी कि वाटर के बगल में जो भी आपका एफॉरेस्टेशन किया जाता है उससे क्या होता है, इरोजन की कमी हो जाती है, इरोजन नहीं हो पाता है, साथ ही फ्लड रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने में ये हेल्प करती है, वाटर अच्छे तरीके से प्योरीफाई हो पाता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी कम हो पाती है, हो कि नहीं। उसके बाद बैलेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इंटरेस्ट है, तो ये इसकी कोई बात नहीं। इंसेंटिव्स क्या क्या है, तो इंसेंटिव यहाँ पे कैश के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, साथ ही साथ जो असिस्टेंस है वो भी दी जाएगी और मटेरियल के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे PES जो सिंपल सा आपको समझना है कि फंडा है क्या, तो यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पेमेंट लगाया जाएगा, और जो दो कॉरपोरेशन के बीच में इसको एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा वही दो कॉरपोरेशन जो है यहाँ पे अगर एक अच्छे तरीके से यहाँ पे अगर आपका इन्वायरमेंट से सर्विस अगर लेना है और इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं करके चल रहे हो तो आपके ऊपर यहाँ पे पेमेंट लिया जाएगा, यही बस बात की जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये बता रही है बायर्स की तरफ से भी, जो खरीद रहे हैं उनके तरफ से भी और जो बेच रहे हैं उनके तरफ से भी। यानी कि जो खरीद रहे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर्स है, फार्मर्स चाहते हैं कि वो अपने खेती एरिया में जो है एक पॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो पॉन्ड बनाने के लिए जो है उनको सीमेंट वगैरह की, बालू मिट्टी की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेबर वगैरह की ज़रूरत होगी, तो ये सारी ज़रूरत जो है ना अगर वो इस तरीके का चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उनको दूसरी पार्टी जो है इस तरीके के पैसे प्रोवाइड करेंगे, उनको लेबर प्रोवाइड करेंगे, उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो बना सके, तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में सर्विस और अच्छे तरीके से बेटर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो दोनों को फ़ायदा है, एक तो एक तरीके से जो है एक दूसरे का म्यूचुअल हेल्प करके जो है एक अच्छा डेवलप हम लोग कर पा रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से जो भी सर्विस है वो लोग हम वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2018, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप समझ सकते हो कि टाइगर एस्टिमेट जो भी है किया जा रहा है और जो भी टाइगर रिपोर्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। 4 ईयर की जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है यानी कि स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स प्रे देयर हैबिटेट 2018 जो है वो यहाँ पे शो कर रही है कि हमारे इंडिया में टाइगर्स की क्या काउंटडाउन है, और टाइगर्स की जो काउंट है ना वो बढ़ चुकी है, यानी कि अब यहाँ पे 2018 में आप देखोगे तो 2967 है, वहीं अगर 2014 की बात करें तो यहाँ पे 2226 थी, यानी कि हमारे यहाँ जो है टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। सेकेंड है कि अब हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट जो यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आई है उसकी क्या फाइंडिंग है। सबसे पहला है कि जो बिगेस्ट इंक्रीज़ हम लोग को टाइगर में देखने को मिला है वो मध्य प्रदेश सिटी में देखने को मिली है। 2014 की बात करें तो 308 थी, वहीं अगर हम लोग 2018 की बात करें तो अभी 526 हो चुकी है। उसके बाद सेकेंड जो सिटी है वो है, स्टेट है वो है हमारे यहाँ कर्नाटक, कर्नाटक में भी 500 6 से 524 हो चुकी है, यानी कि थोड़ा सा कम है मध्य प्रदेश से। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो थर्ड नंबर पर है, यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है, फर्स्ट आपकी जो है यहाँ पे MP है, सेकंड आपकी जो है कर्नाटक है, और थर्ड जो है आपकी उत्तराखंड है, ये तीनों आपको याद रखना है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है टाइगर की नंबर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद जो टाइगर ऑक्यूपाइड एरिया है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, यानी कि आप नेट लॉस अगर देखोगे टाइगर ऑक्यूपाइड एरिया में तो यहाँ पर 20% तक, यानी कि जो रहने का जगह है टाइगर का वो 4 साल में 20% तक कम हो चुका है। इसके कारण जो है उनकी नंबर जो है इंक्रीज़ हुई है और ये आपका नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में ही इंक्रीज़ हुई है। टाइगर की जो कॉलोनाइज्ड है वो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर न्यू एरिया है। जो डिक्लाइन हुई है वो यहाँ पे आपका 3 आउट ऑफ इंडिया के 5 टाइगर लैंडस्केप्स में से है। तो कहाँ कहाँ डिक्लाइन हुई है, कहाँ कहाँ लॉस हुआ है उनका हैबिटाट, तो शिवालिक है, वेस्टर्न घाट है और नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे आपका 469 स्क्वायर किलोमीटर है, 527 स्क्वायर किलोमीटर है और 6,000 के अप्रॉक्स जो स्क्वायर किलोमीटर है वो ख़त्म हो गई है। सेंट्रल इंडिया और सुंदरवन की बात करें तो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इनकी हैबिटाट है, नंबर ऑफ़ टाइगर है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि जो रहने का जगह है वो शिवालिक, वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर घटा है, लेकिन जो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है रहने की जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुई है सुंदरवन में और सेंट्रल इंडिया में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट और यहाँ पर जो है फाइंडिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहला है मीन्स यहाँ पे थर्ड है कि 33% जंप हम लोग को देखने को मिला है नेशनल टाइगर पॉपुलेशन से। जो नेशनल टाइगर पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखा जाता है कि किस तरीके से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे 33% जंप हम लोग किए हैं, और जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है पोटेंशियल एक्सटिर्पेशन जो कि टाइगर का है वो भी 3 रिजर्व्स में,
तो कोई भी टाइगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गया है बुक्सा में, यानी कि जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, डंपा में, मिजोरम में और पलामू में जो कि झारखंड में, झारखंड में जो टाइगर रिजर्व है, इन तीनों टाइगर रिजर्व में आपका कोई भी टाइगर अभी तक यहाँ पे आपका जो है अभी तक क्या इस बार जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रे बेस में भी इंक्रीज़ हुई है, यानी कि जो टाइगर की ब्रीड है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। और अगर टाइगर की नंबर इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है कि प्रे बेस जहाँ पे वो रहते हैं वो भी उनका जो है रहने सहने और जो भी उनका पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही उन कुछ स्टेट में डिक्लाइन देखने को भी मिला है, छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जहाँ पर ये रिकॉर्ड किया गया है कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो कहाँ कहाँ बढ़ी है, आपका बढ़ी है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में, लेकिन कहाँ कहाँ घटी है वो भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ है आपका, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ओके, तो ये बढ़ने का पॉपुलेशन और घटने की पॉपुलेशन के स्टेट को आपको याद रखना है। साथ ही अब हम लोग समझते हैं कि क्यों टाइगर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बढ़ी है, अचानक से कैसे बढ़ गई, हर साल 4 साल में ये आपका रिपोर्ट आता है लेकिन इस बार कैसे बढ़ी है। तो सबसे पहला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाया जा रहा था, टाइगर को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जद्दोजहद करना पड़ा है, जो कि आज के डेट में सक्सेस देखने को मिल रही है। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हर्टली अगर देखें तो यहाँ पर हेल्थी इंक्रीज़ हो पाई है कोर एरिया पॉपुलेशन में, जिसके कारण जो है कुछ एरिया में इसको माइग्रेट भी किया गया, यानी कि हम लोग देखते हैं कि सुइटेबल इन्वायरमेंट या सुइटेबल क्लाइमेट के हिसाब से जो है टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे माइग्रेट भी किया जाता है। तो अगर कुछ सालों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है फोकस कि किस तरीके से टाइगर की जो एक बेटर क्लाइमेट उनको प्रोवाइड कर सके, टेरिटोरियल और कमर्शियल फॉरेस्ट्री आर्म्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। साथ ही यहाँ पर विजिलेंस भी इंक्रीज़ हुआ है, अगर देखें तो पोचिंग रैकेट्स जो चलता था, यानी कि टाइगर को मार कर उनका खाल वगैरह या फिर बहुत सारा इनका जो है ट्रेडिंग वगैरह होती थी, तो पोचिंग वगैरह जो होती थी उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण जो है अब कोई भी ऑर्गेनाइज पोचिंग नहीं किया जा रहा है ट्रेडिशनल गैंग के द्वारा। तो इसके कारण भी जो है टाइगर को इलीगल तरीके से नहीं मारा जा रहा है और टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही जो ब्रीडिंग की कंडीशन है वो भी बढ़ रही है, टाइगर जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत फास्ट जो है, अगर उनके कंडीशन बहुत फेवरेबल होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। साथ ही रिहैबिलिटेट किया जा रहा है विलेज को, अगर विलेजेस को देखें जो कि कोर एरिया बहुत सारे कंट्रीज़ में है तो उनसे उनको रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, तो इससे भी जो है टाइगर को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही है। बेटर एस्टीमेट लगाया जा रहा है, यानी कि अगर हम लोग देखें, क्योंकि एस्टीमेशन जो एक्सरसाइज है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये पॉसिबल है कि बहुत सारे टाइगर्स जो है ना उनको पहले की तरफ से पहले के अनुमान इस बार जो है बहुत उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही बहुत सारी प्रोग्राम का सक्सेस भी देखने को मिल रही है, टाइगर को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही नेशनल और ग्लोबल एफर्ट्स लगाया जा रहा था, जिसके थ्रू हम लोग टाइगर की नेचुरल हैबिटेट और जो टाइगर को सेव करने का जो फंडा है उसको हम लोग यहाँ पे चला पाए। ओके, अब देखते हैं कि टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स हमारे इंडिया में क्या क्या चलाई जा रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारे यहाँ चलाया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर, और ये 1973 में इसको बनाया गया था, वो भी इन सेतु कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर के लिए, जो कि आपका मेनली यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स जितने भी है हमारे कंट्री में उनके पास जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, यानी कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे जो है आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे फंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही मोर टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेजर्स है और वन ऑफ द प्राइम रीजंस है हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के सक्सेस का, कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स है, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो है हम लोग बेटर तरीके से टाइगर को यहाँ पे मेंटेन और प्रोटेक्ट कर पाते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी है, एक तरीके का स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि 2006 में इस्टैब्लिश किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट FCC के अंदर इसको आपको इस्टैब्लिश किया गया था, जो कि ये एक्ट आपका वर्क करती है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत। आज की डेट में अगर देखेंगे तो बहुत सारी जो टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है वो इसको इंप्लीमेंट करती है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गई, टाइगर कंजर्वेशन प्लान हो गई, तो सब कुछ ये जो है आपका MOEFCCC जो है इसके अंडर में इंप्लीमेंट किया जाता है। साथ ही हम लोग की जो सिस्टम है, यानी कि टाइगर को उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, जैसे इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस जो MSTRIPS है, यानी कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, कि जो भी पग मार्क होती है यानी कि टाइगर्स के जो पैर के निशान होते हैं उनको हम लोग सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही यहाँ पे देख लेते हैं, और हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स है यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर, उसमें हम लोग जो है उनको ही पॉपुलेशन को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है चार हमारे यहाँ ऐसा बेसिक एफर्ट्स है जो कि हम लोग इंडिया में लेकर चलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग टाइगर के पॉपुलेशन को बेटर तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर पाए हैं। ओके, अब यहाँ पे आप एक ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, जो कि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि बातें एक्चुअली की क्या जा रही है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है मैप के हिसाब से कि यहाँ पे 2006 से 2008 के बीच में बताया जा रहा है। सबसे पहला जो वाइट लाइन है, ये जो वाइट लाइन है ये आपके नॉर्थ ईस्ट हिल की है, ब्रह्मपुत्र प्लेन की है, जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड और नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डे बाई डे यहाँ पर बढ़ी है। ओके, उसके बाद आप ये ब्लैक लाइन देख सकते हो, ब्लैक लाइन ये आपका जो है ब्राउन लाइन, ब्राउन लाइन जो है वो आपका शिवालिक हिल्स का है, गैंगेटिक प्लेन्स का है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, यूपी में आप देखोगे कि इनकी भी टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ी है। ओके, उसके बाद अगर आप लोग ग्रीन डॉट लाइन देखेंगे तो ये ग्रीन डॉट लाइन भी बढ़ी है, जबकि आपका वेस्टर्न घाट है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। उसके बाद अगर रेड लाइन की बात करें तो रेड लाइन आपका सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप आता है, साथ ही साथ ईस्टर्न घाट है, जहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान है। तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी जो है बढ़ी है। वहीं अगर सुंदरबन की अगर बात करें, ये आपकी ब्लू लाइन है, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है। यानी कि हर एक जगह आप देख सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 2006 से 2018 में। ओके, अब देख लेते हैं कि इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर के बीच में क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। तो इंडियन टाइगर भी होते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है, जिनको पैंथरा टिग्रिस भी कहते हैं। तो ये एक तरीके का टाइगर स्पेशीज है जो कि इंडिया में रहती है। जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर का वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं बंगाल टाइगर के। बट कुछ जो स्मॉलर ग्रुप है वो आपको बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी देखने को मिलेगा, कुछ एरिया में यानी कि चाइना के कुछ एरिया और बुर्मा के कुछ एरिया में भी आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे। ओके, इंडिया में आप सकते हो कि यहाँ पे 80% से भी ज़्यादा जो है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है तो इंडिया में है। साथ ही बंगाल टाइगर के हैबिटाट अगर देखें तो किस तरीके से वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में, मार्शेस में और टॉल टॉल ग्रासेस में। तो यहाँ पर जो है आपको बंगाल टाइगर हैबिटाट आपको देखने को मिलेगा। जो टाइगर है वो अम्ब्रेला स्पीसीज है, और साथ ही कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम लोग देख ले IUCN रेड लिस्ट में तो इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखें तो शेड्यूल 1 में रखा जाता है, साइट्स की भी यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में रखी जाती है। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या थ्रेट है टाइगर की इंडिया में, यानी कि किस तरीके से टाइगर को यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इशू है जिसके कारण टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो सबसे पहला है कि इनके रहने की जगह कम हो रही है, हैबिटाट लॉस हो रहा है, पोचिंग वगैरह बहुत हो रहा है, यानी कि इलीगल तरीके से जो है यहाँ पर टाइगर को मारा जाता है, उनकी खाल वगैरह बेची जाती है, ट्रेड वगैरह किया जाता है। साथ ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेंगे, यानी कि हैबिटाट लॉस हो रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे टाइगर जो है सिटी वगैरह, घर वगैरह में घुस जाते हैं, या फिर रोड वगैरह में आपको रोड एक्सीडेंट से भी मरते हुए दिखेंगे। अगर सिटी वगैरह या फिर किसी विलेज में भी घुस जाते तो वहाँ पे भी लोग उनको पकड़ के मार देते, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि उनको पकड़ के जो है वापस से जंगल में भेजा जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा भी उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर घट रही है। तो ये तीन रीजन्स हैं जिसके कारण टाइगर को भी थ्रेट देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको कंसीडर करते हैं, जहाँ पे हम लोग टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं, और एडिशनली डेजिग्नेट किया गया है एज ए टाइगर रिजर्व, यानी कि जितनी भी यहाँ पे आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगी, अगर वहाँ पे स्पेशल तरीके से टाइगर को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, तो उनको हम लोग टाइगर रिजर्व जैसा डेजिग्नेट कर देते हैं। ओके, एक टाइगर रिजर्व में आपको कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट देखने को मिलेगा, जो कि इनवायलेट एरिया के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। बफर है, पेरिफेरल एरिया है, जो कि इमीडिएटली यहाँ पे कोर एरिया होती है, और यहाँ पे आपके हैबिटाट प्रोटेक्शंस की डिग्री जो है कम होती है। तो ये बातें हो गई टाइगर रिजर्व्स के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि जो टाइगर सेंसस है उसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोग हर साल 4 साल के बीच में एक टाइगर सेंसस करते हैं और ये देखने का कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन घटी है कि बढ़ी है। तो टाइगर जो साइट्स है ना वो यहाँ पे फूड चेन का सबसे पिक में है, यानी कि फूड चेन आप समझ रहे हो कि ग्रास है, इसको ग्रास ओपर खाती है, ग्रास ओपर को यहाँ पर कोई बटरफ्लाई खाते है, बटरफ्लाई को कुछ और खाती है, उसको कुछ और खाते है, उसके बाद जो है ये एक फूड चेन बनता है कि एक दूसरे को खाते जाते हैं। तो फूड चेन के सबसे पिक में टाइगर आता है, और कंजर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को वेल मैनेज कर पाएंगे। टाइगर को यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ पे हैबिटाट असेसमेंट हो, प्री एस्टिमेशन हो, यानी कि एक अच्छा यहाँ पे हैबिटाट का रहने सहने का जो है एक एस्टिमेशन हो पाता है, इसलिए टाइगर की पॉपुलेशंस को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। जो नंबर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कि जो कंजर्वेशन एफर्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाया जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्री यहाँ पे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, तो यहाँ पे अगर नंबर बढ़ रही है तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि उस कंट्री की जो एफर्ट्स है वो वहाँ पे सक्सेस हो रहा है। साथ ही अगर नंबर डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे ये समझ
समझ में आता है कि जो भी कंट्री यहाँ पे एफर्ट्स लगा रही है किसी भी चीज़ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो नहीं कर पा रही है, बस इसलिए यहाँ पे नंबर को शो किया जाता है। ओके, अब देखते हैं कि ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट क्या है। इंडिया की तो आप लोग देख लिए, ग्लोबल भी आप लोग को पता होना चाहिए कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए क्या क्या चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्लोबल अलायंस जो कि गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी है, साथ ही यहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है, जो कि एक साथ आकर काम करते हैं और वाइल्ड टाइगर्स को जो है ना उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाते हैं। साथ ही ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको टाइगर रेंज कंट्रीज़ जो है उनको एम्पावर किया गया है कि वो एड्रेस करें इंटायर स्पेक्ट्रम, जो भी थ्रेट है डोमेस्टिक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी ट्रांसबाउंड्री नेचर में है, किस तरीके से यहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरम है, एक तरीके का इंटरनेशनल कोलाबोरेशन है, जो कि टाइगर बियरिंग यानी कि जितने भी कंट्री में टाइगर है ना वो एक साथ आते हैं और टाइगर की यहाँ पे जो नंबर है उसको डबल करने का एजेंडा रखा गया है 2022 तक। TX2 है यानी कि एक तरीके का गोल है जिसमें कि वाइल्ड टाइगर जो है ना उनके नंबर को यहाँ पर डबल करना है। कंजर्वेशन एज्योर टाइगर स्टैंडर्ड है, ये एक तरीके का सेट ऑफ क्राइटेरिया है जिसमें कि टाइगर को अलाउ किया जाता है कि उनके साइट्स को चेक करें, साथ ही जो भी मैनेजमेंट है उनकी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उनको जो है यहाँ पे सेट ऑफ क्राइटेरिया दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और TX2 के प्रोग्राम का ही ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो कुछ कुछ आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि अगर टाइगर के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आप ऐसे वगैरह लिख रहे हो तो आप इस तरीके का इंडियन एफर्ट्स और जो ग्लोबल एफर्ट्स है उसको मेंशन कर पाओ, तो इसलिए एक दो तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। ओके, इंडिया की तो आपको सब याद होनी चाहिए, बहुत ही ईजी है और हर बार ये सारी न्यूज़ में रहती है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन ग्लोबल का आपको एक दो ज़रूर याद होनी चाहिए। ओके, तो गाइस हमारी टाइम हो चुकी है और आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं कल कवर कर दूंगी। ओके, आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको सारे टॉपिक्स को कवर करा दूंगी, लेकिन यही बात है कि पूरे टॉपिक्स को अच्छे से समझिए क्योंकि इस मैगजीन में आपकी पूरी एक कोई भी टॉपिक के बारे में ना हॉलिस्टिक आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाती है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद भी आपको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करने के लिए आपको PDF की ज़रूरत है जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, तो गाइस आपको अच्छा लगता है ये लेसन तो ज़रूर लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलती है, और अपने आप दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस मैगजीन्स की यहाँ पे लेक्चर की ज़रूरत होती है, तो आप लोग अगर मुझे मेरी लेसन अच्छी लगती है तभी आप लोग उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो और आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी नोटिफिकेशंस जल्दी मिलेगी। सो थैंक यू।